हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। प्रोटिस्टा में हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे, है ना, और उसके बाद हम लोगों ने पायरोफाइटा खत्म कर लिया था। तो जनरल कैरेक्टर्स में हम लोगों ने उसके प्रोटिस्टा के सारे जनरल कैरेक्टर्स देखे थे, और उसके बाद हम लोगों ने पायरोफाइटा में डाइनोफ्लैजेलेट का स्ट्रक्चर, उसका डिटेल देख लिया था। आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकेंड डिविजन, जिसे हम बोलते हैं क्राइजोफाइटा। तो हम लोग बात करने चल रहे हैं किस पे, किसके बारे में, क्राइजोफाइटा के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा क्राइजो फाइटा, है ना। क्राइजोफाइटा क्या है, हम लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि जो प्रोटिस्टा होते हैं उसके तीन टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं, है ना। तीन टाइप्स में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, और कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। ये बात हम लोगों ने करी थी। तो वहां पे हमने स्टार्ट किया था प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, जिसके अंदर पायरोफाइटा मैंने आपको बताया डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्राइजोफाइट्स, यानी कि क्राइजोफाइटा के बारे में। ये हमारा सेकेंड डिविजन है, है ना। ये भी क्या है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में कंसिडर किया जाता है। तो ये जो क्राइजोफाइटा है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इसका दो टाइप, दो ग्रुप बना सकते हैं। एक जो ग्रुप होता है इसका, उसको हम लोग नाम देते हैं डाइएटम, है ना। तो इसमें जो पहला ग्रुप है उसको आप नाम देते हो डाइएटम्स, और जो इसका दूसरा ग्रुप है बेटा, उसको नाम दिया जाता है डेसमेट। तो एक्चुअल में ये दो ग्रुप हमें याद रखना है, पहला नाम आता है डाइएटम्स और दूसरा नाम आता है डेसमेट। जो डेसमेट होते हैं इसी को हम लोग गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको क्या याद रखना है, गोल्डन एल्गी। अब सवाल आता है कि गोल्डन एल्गी क्यों बोलते हैं। गोल्डन एल्गी बोलने के पीछे रीजन है इसका पिगमेंट, है ना। इसमें एक खास तरीके का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। ये जो फ्यूकोजेंथिन होता है, इसी फ्यूकोजेंथिन के कारण इसका कलर कैसा होता है, गोल्डन कलर का, है ना। एक्चुअल में यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन के कारण तो ब्राउन कलर के होंगे, और इस पे डिपोजिशन होता है सिलिका का, तो सिलिका के डिपोजिशन होने के कारण वो बिल्कुल गोल्डन कलर में चमकते हुए आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है गोल्डन एल्गी। जैसा कि आप देख रहे हो गोल्डन कलर है और एल्गी है, पहले इसको एल्गी में रखा गया था, बाद में इसको उठा करके फिर प्रोटिस्ट के अंदर डाला गया। प्रोटिस्टा के बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं उनको पहले किसी को प्लांट में रखा गया था, किसी को एनिमल्स में रखा गया था। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन होता गया, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके उनके लिए अलग ग्रुप बनाते गए। तो डाइएटम्स और डेसमेट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला चीज डाइएटम्स क्या होते हैं उसको हम लोग डिटेल पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं डाइएटम्स, है ना। डाइएटम्स के बारे में देख लेते हैं। क्राइजोफाइट के जो मेंबर होते हैं, सबसे पहला पॉइंट, जो क्राइजोफाइट के मेंबर होते हैं, अगर इनके हैबिटेट की आप बात करोगे तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, है ना। तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ऑल्सो सम आर फाउंड इन मरीन वाटर। तो कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आपको मरीन वाटर में भी मिलेंगे। सबसे खास बात यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप सेप के बेसिस पे इसको कंसिडर करोगे बेटा, तो सेप के बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट सेप को आपको दिखाई देंगे, है ना। डिफरेंट सेप में आपको ये दिखाई देंगे। अब इनका सेप कौन कौन से हो सकता है, पहले ट्रायंगुलर आपको दिखाई दे सकता है ना। हो सकता है कि आपको ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे, हो सकता है आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है आपको स्क्वायर शेप का ये दिखाई दे सकता है, हो सकता है आपको ये इलोंगेटेड दिखाई दे। तो अलग अलग शेप यहाँ पे आपको दिखाई देगा डाइएटम्स के, है ना। इसीलिए इसको हम लोग जब कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि उसका जो शेप होता है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। हमने डाइनोफ्लैजेलेट में बात किया था तो मैंने आपको बोला था वहां पे कलर अलग अलग कलर में पाए जाते हैं, यहाँ पे ये अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लो, ये कुछ ऐसे नजर आते हैं, है ना। ये आपको जब देखोगे आप ध्यान से तो कुछ ऐसे नजर आएंगे। इसमें दो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं इपिथीका, है ना।
इसके लिए टर्म यूज होता है एपीथीका, और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसके लिए टर्म यूज होता है हाइपोथीका। थीका का मतलब होता है लेयर, तो जो अपर लेयर है उसके लिए टर्म यूज हुआ एपीथीका, और जो नीचे वाला लेयर होता है उसके लिए हाइपोथीका। अगर इसको अच्छे से समझना है तो सभी ने सोप बॉक्स देखा होगा जिसमें साबुन रखते हो, है ना, उसके ऐसे ही दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला जो ऊपर वाला होता है उससे नीचे वाला कवर हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये अलग अलग शेप में आपको दिखाई देंगे, तो सामने से देखने में वो अलग अलग शेप का हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में जब उसको खोलोगे तो दो ही पार्ट आपको दिखाई देंगे, अपर पार्ट दैट इज नोन एज एपीथीका एंड लोअर पार्ट दैट इज नोन एज हाइपोथीका। अब क्या होता है कि ये जो दोनों पॉइंट होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, है ना, जुड़े होते हैं एक कनेक्शन से नोन एज गर्डल। तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं गर्डल, जिससे कि दोनों अपर और लोअर जुड़े होंगे। इसके अलावा इसमें आपको कुछ क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्लोरोप्लास्ट है ना। इसके अलावा इसके अंदर आपको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी दिखाई देगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक मेंबर है। तो ये आपको एक सिंपल मैंने डाइएटम्स बना करके दिखाया। डाइएटम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो पार्ट है बेटा, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है, तो दो एटॉमिक पार्ट होने की वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं डाइएटम। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है। तो डिफरेंट शेप हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने बात किया किसका, हैबिटेट। हैबिटेट में आपको याद रखना है कि मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड सम आर फाउंड इन मरीन वाटर। शेप के बेसिस पे हम लोगों ने बात किया कि अलग अलग शेप हो सकता है ना, लेकिन उसमें दो पार्ट होंगे एपीथीका एंड हाइपोथीका। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इनको मेन प्रोड्यूसर इन द सी माना जाता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेन प्रोड्यूसर, मेन प्रोड्यूसर इन द सी, समुद्र के अंदर इनको मेन प्रोड्यूसर माना जाता है। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो फोटोसिंथेसिस करते हो, है ना, तो यहां पे क्या ही करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब कुछ ना कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके पास प्रेजेंट होगा, तभी तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो क्लोरोफिल ए आपको मिलेगा, इसके अलावा क्लोरोफिल बी मिलेगा, इसके अलावा आपको फ्यूकोजैंथिन मिलेगा। तो बेसिकली ये तीन पिगमेंट आपको याद रखना है, पाला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड फ्यूकोजैंथिन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल प्रेजेंट है बेटा, है ना, और ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है इट इज मेड अप ऑफ, है ना, इट इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होगा एंड सिलिका। तो दो कंपोनेंट से इसका सेल वॉल बना होता है, एक होता है सेलुलोज और एक होता है सिलिका। क्या होता है ना कि ये जो लेयर है वो क्या होते हैं, सिलिका डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है इसके ऊपर, तो सिलिका का डिपोजिशन वहां पे होने लगता है, तो इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है सेलुलोज सिलिकेटेड या सिलिकेटेड सेलुलोज। तो इसके लिए टर्म यूज होता है सिलिकेटेड सेल्यूलोज, ये टर्म आपको याद रखना है, क्या, सिलिकेटेड सेल्यूलोज। ये जो टर्म है सिलिकेटेड सेल्यूलोज, इसके लिए दूसरा टर्म भी यूज होता है फ्रस्टल, है ना, तो इसके लिए टर्म यूज होता है फ्रस्टल, या इसके लिए दूसरा टर्म भी यूज होता है शेल, है ना, तो इसको आप शेल भी बोल सकते हो या इसको आप फ्रस्टल भी बोल सकते हो। कब, जब सिलिकेटेड सेल्यूलोज हो, बाकी वो सेलुलोज पेक्टिन का बना हुआ है, लेकिन जब सिलिका का डिपोजिशन होने लगता है तब उसके लिए टर्म यूज होता है शेल या फ्रस्टल। इज दैट क्लियर, यहां तक बिल्कुल नॉर्मल बातें थी जो हमने किया है। मैंने बोला कि इसके ऊपर क्या होने लगता है, सिलिका का डिपोजिशन होने लगता है। जितना ज्यादा इसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता जाएगा उसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से उतना खत्म होता जाएगा। तो धीरे 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 करके क्या होगा, इसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कंप्लीटली खत्म। जैसे ही इसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ खत्म, ये तो मर जाएंगे, और मर जाएंगे ये पूरी तरह से, इनका ये मर गए, लेकिन इनके ऊपर जो डिपोजिशन हुआ था सिलिका का वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो वैसे के वैसे बचा रहता है। तो जो सिलिका बचा रहता है
वो क्या होता है कि जो बॉटम होता है समुद्र का, वहां पे जमा होने लगते हैं। जब वहां पे जमा होते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है डाई एटमेसियस अर्थ, है ना। मैं यहां पे एक नाम लिखता हूं, तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं डाई एटमेसियस अर्थ। डाई एटमेसियस अर्थ का मतलब आप समझिएगा, है ना, डिपोजिशन ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पे, सॉरी एक मिनट, डाई एटमेसियस अर्थ मतलब डिपोजिशन ऑफ डेड डाई एटम्स ऑन द बॉटम ऑफ सी। तो सी बॉटम पे इनका क्या हो जाएगा, डिपोजिशन जब हो जाता है सिलिकेटेड एटम्स का, तो उसके लिए टर्म यूज होता है डाई एटमेसियस अर्थ। कभी कभी इसको और एक नाम से बोला जाता है डाई एटेमाइट, इसके लिए दूसरा टर्म यूज होता है डाई एटेमाइट। और इसके लिए एक टर्म यूज होता है केशल ग्रह, केशल गढ़, है ना। डायटमाइट और दूसरा एक टर्म यूज होता है केशल गढ़, है ना। तो ये भी टर्म यूज होता है, तो तीन टर्म यूज होते हैं डायसमेशियस अर्थ, डायटमाइट और केशल गढ़। अब क्या होता है कि ये क्या है कंडीशन, तो डिपोजिशन ऑफ डेड डायटम्स ऑन द बॉटम ऑफ सी, जब भी उनका डिपोजिशन सी बॉटम पे होने लगता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है, क्लियर। अब अगर ये प्रोड्यूसर है तो इनके पास कुछ ना कुछ रिजर्व फूड मटेरियल होता होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है, रिजर्व फूड मटेरियल यहां पे आपको याद रखना है होता है ल्यूकोसीन, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ल्यूकोसीन क्या है, यहां पे रिजर्व फूड मटेरियल है जिसको बाद में यूटिलाइज कर सकता है। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि ये कैसे प्रोटिस्ट है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, इसके अंदर ये प्रोड्यूसर बोले जाते हैं और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल ल्यूकोसीन है। ओवरऑल मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया। इसके अंदर अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, है ना, रिप्रोडक्शन अगर आप कंसीडर करते हो तो रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं यहाँ पे। सबसे पहला मेथड है इसका, जिसको आप बोलते हो ए सेक्सुअल टाइप, है ना, और दूसरा टाइप है जिसको आप बोलते हो सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे कॉमनली यहाँ पे होता है और ये होता है किसके थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू, है ना। तो यहां पे जो मेथड है उसको नाम दिया जाता है बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वेरी रेयर है ना, कभी कभी होगा, और ये भी जब होगा तो वो किस कंडीशन में होगा, जाइगोटिक मियोसिस। किस कंडीशन में, जाइगोटिक मियोसिस। और जाइगोटिक मियोसिस क्या है, ये तो अपन लोग ने बहुत आसान वे में पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन आपको याद रखना है और सेक्सुअल में वेरी रेयर कंडीशन है और होगा भी तो जाइगोटिक मियोसिस के थ्रू। हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल का बात यहां पे हम लोग कर लेते हैं, क्लियर है ना। ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बातें करी। थोड़ा सा मैं आपको रिप्रोडक्शन इसमें समझा देता हूं, एक पॉइंट और नोट करने वाला पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब बाइनरी फिजन करता है तो वहां पे एक एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन होता है और वो जो स्पोर बनते हैं उसको बोला जाता है ऑब्जो स्पोर, है ना। मैं आपको डिवीजन में समझा रहा हूं, तो फटाफट इसका रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। रिप्रोडक्शन के मेथड में मैं आपको समझाता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक, है ना, ये डायएटम है। अब इस डायएटम में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर है। अगर मान लो ये साइज तो हमेशा बड़ा होगा और ये साइज छोटा होगा, क्योंकि जो ऊपर से कवर कर रहा है उसका साइज तो बड़ा ही होना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं हम 10 यूनिट है ये समझने के लिए, और इसको मान लो 9 यूनिट है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन देखो कैसे होगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होते हैं, ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये कौन सा यूनिट है, 10 यूनिट है ना, और ये कौन सा यूनिट है, 9 यूनिट। तो इसको मैं लिखता हूं ये 10 यूनिट है और ये 9 यूनिट है, दोनों अलग अलग हो गए। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसके अंदर कौन आके बैठेगा, जो 9 यूनिट वाला है ना, डिवीजन करेगा तो इससे छोटा ही बनेगा,
और इसमें भी सेल इससे छोटा ही बनेगा, तो ये 8 यूनिट वाला बनेगा, क्लियर है। अब क्या होता है, इधर वाले को ले लो, ये फिर से अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक 9 यूनिट वाला इधर आएगा और एक 8 यूनिट वाला इधर आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, इसके नीचे कौन आके बैठेगा, जो 8 यूनिट वाला होगा, और इसके नीचे कौन आके बैठेगा, जो 7 यूनिट वाला होगा। फिर से आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ऐसे बार बार अगर डिवाइड करें तो आप सोचो इसका साइटोप्लाज्म का नंबर तो कम होता जाएगा, और जब ये रेशियो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस का रेशियो जो मैच नहीं करेगा तब तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए क्या करता है, ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या करता है, तोड़ना स्टार्ट कर देता है ना, कुछ स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, और यही जो स्पोर्स होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं इसको क्या करता है, वो बाहर रिलीज कर देता है। ये जितने स्पोर्स हैं उसको उन्होंने क्या किया, बाहर रिलीज किया। इसी स्पोर को नाम दिया जाता है ऑक्जो स्पोर, इसी स्पोर को नाम क्या दिया जाता है, ऑक्जो स्पोर। और ये जो ऑक्जो स्पोर होते हैं फिर से जर्मिनेट करके और ये बॉडी बना देते हैं डाइएटम्स का। तो आपको ये समझना है कि कैसे ये डिवीजन होता है, कौन से स्पोर बनते हैं और फिर से ये जर्मिनेट होकर के एक नया बॉडी का फॉर्मेशन कर सकता है। तो क्लियर हो गया ये होगा, ये डिवीजन भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करने चल रहे हैं, ये हमारा क्राइजोफाइटा था जिसके अंदर हम लोगों ने डाइएटम्स के बारे में बात किया, इसके बाद हम दूसरा देखने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं यूग्लिनोफाइटा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यूग्लिनोफाइटा। तो सेकंड हम लोग देखने जा रहे हैं यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा है ना। अभी तक जो भी हमने प्रोटिस्टा में बात किया है वो क्राइजोफाइटा और पाइरोफाइटा, जो बिल्कुल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है। तो यूग्लिनोफाइटा के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूग्लेनॉइड्स के बारे में, और यूग्लेनॉइड्स का एक मेंबर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, यूग्लिना, है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने बोला ना कि ये ऐसा प्रोटिस्ट है जिसके कुछ कैरेक्टर एनिमल के जैसे हैं, कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के जैसे हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक, है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये तो आपको पता ही होगा जो यूग्लिना होते हैं ये किसके कनेक्शन कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट और एनिमल के कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं, क्योंकि कुछ फंक्शन उनका प्लांट जैसा होता है और कुछ उनका फंक्शन एनिमल्स के जैसा होता है। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो यूग्लिना होते हैं ये कैसे एनिमल है बेटा, मिक्सोट्रॉपिक। कैसे हैं, मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब, मिक्सो का मतलब होता है मिक्स, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मिक्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। कैसे, अगर हम बात करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट है ना, तो लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन खुद करेंगे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्लियर। लेकिन अगर हम बात करें इन एब्सेंस ऑफ लाइट, अगर लाइट नहीं है तब ये क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। होलोजोइक मतलब इनगल्फ करना स्टार्ट करते हैं, एनिमल लाइक फीलिंग यहां पे आपको दिखाई देगा। तो होलोजोइक किसके अंदर होते हैं, जितने हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, जो प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो दोनों कैरेक्टर होने की वजह से इसको नाम दिया जाता है मिक्सोट्रॉपिक। और आपको तो ये क्लियर हो गया होगा कि इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन किया गया तो यूग्लिना को उठा करके कुछ साइंटिस्टों ने इसको प्लांट में डाल दिया था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के कारण, है ना। बाद में क्या हुआ कि कुछ जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने उसको उठा करके एनिमल में डाल दिया था, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी कभी होलोजोइक शो करता है। तो बाद में जब ये आए कीकल साहब आया तो उन्होंने इसको क्लासिफाई करके प्रोटिस्टा के अंदर डाला और यहाँ पे इसको थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैटेगराइज किया गया। नहीं तो पहले इसको कभी एनिमल में कभी प्लांट में इधर उधर फेंक दिया जाता था, बाबू तुम वहां जाओ, बाबू तुम यहाँ जाओ, है ना। चलिए अब इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर। अच्छा, जनरल कैरेक्टर बात करने से पहले मैं आपको डायग्रामेटिक कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ।
स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना की अगर आप बात करो तो स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, है ना? आपको यूग्लिना कुछ ऐसा देखने में नजर आएगा। ये यूग्लिना का एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसका जो सबसे ये वाला पॉइंट है डीप जोन, है ना, यहां पे ये स्ट्रक्चर क्या होता है, रिजर्वायर। मैं एक एक पॉइंट लिखते चल रहा हूं। ये क्या मैंने बनाया, रिजर्वायर। तो ये रिजर्वायर है ना। रिजर्वायर के आजू बाजू में आपको कुछ बड़े बड़े वैक्यूल्स नजर आएंगे। इन वैक्यूल्स को नाम दिया जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसको नाम देते हो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या फंक्शन होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बेटा, मेंटेनेंस ऑफ आयन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो इसको लिख लीजिएगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। ये कौन परफॉर्म करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जब भी एक्सेस वाटर बॉडी के अंदर जाएगा तो ये इसके थ्रू बाहर उसको निकाल देंगे। इनके सरफेस पे भी आपको छोटे छोटे वैक्यूल्स नजर आते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के वैक्यूल्स नजर आते हैं, स्मॉलर इन साइज में वैक्यूल्स नजर आएगा, लार्जर इन साइज में वैक्यूल्स नजर आएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रेड स्पॉट आपको नजर आते हैं जिसको हम लोग ब्लिफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, या इसको आईज भी बोला जाता है कभी कभी। तो ये फोटोसिंथेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट, है ना। यहीं से आपको फ्लैजेला निकलते हुए दिखाई देता है। तो इसके अंदर से आपको फ्लैजेला ऐसे निकलते हुए दिखाई देता है। एक फ्लैजेला ये है और दूसरा फ्लैजेला यहीं से एक ऐसा फ्लैजेला आपको निकलते हुए। बेसिकली यहाँ पे दो फ्लैजेला होता है। एक जो फ्लैजेला होता है ये फंक्शनल फ्लैजेला है। कैसा फ्लैजेला है, फंक्शनल फ्लैजेला, जिसके थ्रू वो मूवमेंट करेगा। लेकिन ये जो फ्लैजेला है ये कैसा फ्लैजेला है, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब जो नॉन फंक्शनल है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोसिंथेटिक अगर ये परफॉर्म करता है एक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्लोरोप्लास्ट वगैरह होगा, है ना, कुछ ना कुछ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इसके सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आता है, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करो तो इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी दिखाई देगा वेल डेवलप्ड फॉर्म में। तो ये हम लोग बना देते हैं कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर वाला जो कुछ भी भरा हुआ है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर जब आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे ऐसे डीएनए वगैरह क्रोमोसोम वगैरह फैले होंगे। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। बाकी इसके अंदर ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है इसका जो भरा हुआ है। अब क्या होता है, इसके पूरे बॉडी के ऊपर सेल वॉल तो होता नहीं है, तो सेल वॉल की जगह पे एक कवरिंग होती है, थिन कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेलिकल, है ना। तो एक प्रोटीनेसियस कवरिंग यहां पे आपको दिखाई देगा सेल वॉल की जगह पे, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेलिकल। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पेलिकल है। ये जो स्ट्रक्चर है वो है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। इसके अंदर न्यूक्लियोलस, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इसके अंदर ये जो है वो है क्रोमोसोम, और इन सबको मिलाकर के नाम दिया जाता है न्यूक्लियस। क्लियर है, ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है किसका, जिसको हम लोग बोलते हैं यूग्लिना। अब अगर हम इसमें बात करें तो हैबिटेट की बात पहले कर लेते हैं, तब आपको समझ में आने लगेगा। हैबिटेट की अगर आप बात करो तो मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, ज्यादातर पाते हैं फ्रेश वाटर में, फाउंड इन फ्रेश वाटर, है ना। इसके अलावा पॉन्ड में भी आपको मिल जाएगा, लेक्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो मरीन वाटर में भी मिलते हैं। तो हैबिटेट के बेसिस पे ये फाउंड इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, है ना, ब्रैकिश वाटर, पॉन्ड, लेक्स, सब जगह। दूसरा पॉइंट ये क्या है, तो यूनिसेलुलर। कैसे ऑर्गेनिज्म है, जितने प्रोटिस्ट हैं वो कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल वॉल के बेसिस पे अगर आप बात करते हो तो सेल वॉल तो अभी आपने बोला क्या है, एब्सेंट है। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आप बात करो इसके अंदर,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सराउंडेड विथ अ थिन कवरिंग कॉल्ड एज पेलिकल। तो कवर्ड विथ थिन कवरिंग कॉल्ड एज पेलिकल। और ये जो पेलिकल होता है बेटा, आपको याद रखना है किस नेचर का होता है? प्रोटीनेसियस। तो प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं एंड इलास्टिसिटी शो करते हैं, इलास्टिक इन नेचर। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपको पॉइंट याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर यहां पे प्रेजेंट होगा जो कवर्ड होगा एक कवरिंग से, जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। पेलिकल क्या है? प्रोटीनेसियस पार्ट है और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। तो ये ओवरऑल आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है। लोकोमोशन तो होना है क्योंकि फ्लैजिला है, लेकिन फ्लैजिला में एक ही फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला की मैंने बात करी है। आप बोल सकते हो कि सर दो फ्लैजिला तो डाइनो फ्लैजिलेट आपने बोला था, तो यहां पे क्यों नहीं बोलोगे? इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि वहां पे दोनों फ्लैजिला फंक्शनल थे, यहां पे केवल एक फ्लैजिला फंक्शनल है, दूसरा फ्लैजिला फंक्शनल नहीं है, इसीलिए हम इसको वो डाइनो फ्लैजिलेट तो हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो, इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है पैरामाइलोन एंड फैट, है ना? तो ये इसमें दो चीजें मिलती हैं आपको, पैरामाइलोन मिलता है और फैट मिलता है। बेसिकली इसमें रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करोगे तो रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बाइनरी फिजन यहाँ पे प्रिफर किया जाता है। तो ज्यादातर आपको ए सेक्सुअल में बाइनरी फिजन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये सारे डिटेल्स देख लिए, किसके बारे में? यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? पहला कि कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल का, दूसरा मिक्सोट्रॉपिक है क्योंकि दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड होता है एक थिन कवरिंग से जिसको पेलिकल बोलते हैं, और पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन या प्रोटीनेसियस पार्ट, क्लियर है? बाकी चीजें आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन याद रखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्लाइम मोल्ड्स, है ना? तो मैंने आपको फंगस लाइक प्रोटिस्ट के बारे में अब हम बात करने चल रहे हैं। मैंने तीन तरह का बात किया था, प्लांट लाइक, फंगस लाइक और एनिमल लाइक। प्लांट लाइक खत्म हो गया, फंगस लाइक हम लोग देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। तो नेक्स्ट स्टडी हम लोग देखने जा रहे हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। फंगस लाइक प्रोटिस्ट में है ना एक नाम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स नाम देने के पीछे रीजन है, जब ये डिवीजन करते हैं तो इनके ऊपर एक स्लिमी लेयर होती है, उसी के कारण इसका नाम पड़ा है क्या? स्लाइम मोल्ड्स। तो डेवलपमेंटल फेज में जब होते हैं तो उनके ऊपर एक लेयरिंग होती है जिसके स्लाइम लेयर होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है स्लाइम मोल्ड्स। अब इसको हम लोग फंगस लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। फंगस लाइक क्यों? क्योंकि इसका कुछ एक्शन आपको बिल्कुल फंजाई के जैसे दिखाई देता है। इसी तो हम लोग बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, है ना? स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, बेसिकली आपको याद रखना है कि ये जो प्रोटिस्ट होते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये यूनिसेलुलर है ना, एंड सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्यों बोला जाता है? अब आपको तीन मैं वर्ड बताता हूं जो आपस में कंफ्यूज होते हो, यहां पे मैं लिखता हूं, है ना? सेप्रोफाइटिक मैं टर्म यहां पे यूज करता हूं। पाला है जिसको आप बोलते हो सेप्रोट्रॉफ, है ना? ये क्या है आप बताओ। दूसरा मैं लिखता हूं सेप्रोफाइटिक, ये क्या है? और तीसरा मैं लिखता हूं सेप्रोजोइक। ये अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। सेप्रोट्रॉफिक क्या है समझ लो, सेप्रोट्रॉफिक का मतलब जिनका न्यूट्रिशन डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड होता है,
यानी कि जो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से डेड डिकेइंग मैटर पे अपना लाइफ सर्वाइव करते हैं, उन पे फीडिंग अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ऐसे को हम लोग ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए टर्म यूज होता है सेप्रोट्रॉफ, है ना, जिनका न्यूट्रिशन किससे होता हो, केवल डेड डिकेइंग मैटर से। अब उसमें दो कैटेगरी है, कुछ फाइटिक होंगे कुछ जोइक होंगे। फाइटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से लें, जिनका रिसोर्स डेड डिकेइंग तो हो लेकिन वो डेड डिकेइंग मैटर क्या हो, प्लांट का, प्लांट रिसोर्स होना चाहिए, है ना, जैसे लीटर हो गया, है ना, लीफ वगैरह सड़ गया उससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो जो प्लांट्स को प्रीफर करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज होता है सेप्रोफिटिक। सेप्रोजोइक का मतलब जो न्यूट्रिशन लेते हैं किससे, डेड डिकेइंग मैटर से, लेकिन वहां पे रिसोर्स क्या यूज होता है, एनिमल बॉडी। तो एनिमल जो मर जाते हैं उनके बॉडी से अगर वो लेते हैं अपना न्यूट्रिशन, तब टर्म यूज होता है सेप्रोजोइक। तो जब एनिमल्स को प्रीफर किया जाता है तो सेप्रोजोइक, प्लांट को प्रीफर किया जाता है तो सेप्रोफिटिक, और सेप्रोट्रॉफ तो मोड है, क्लियर है। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, स्लाइम मोल्ड्स, यूनिसेलुलर है, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, पक्का याद रखिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सेल वॉल जो होता है यहां पे बिल्कुल एबसेंट होगा, बिल्कुल क्या होगा, एबसेंट होगा। तो सेल वॉल कंप्लीटली क्या होंगे, एबसेंट होंगे। लोकोमोशन होगा, क्या होगा, लोकोमोशन तो होगा, लोकोमोशन कैसे होगा बेटा, बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, बाय द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया के हेल्प से क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है ए सेलुलर और दूसरे होते हैं सेलुलर। अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ए सेलुलर और सेलुलर में क्या डिफरेंस है, तो देखो फटाफट। अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करें तो स्लाइम मोल्ड्स को दो पार्ट में बांट सकते हो आप। पहले जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, है ना, और दूसरा जो टाइप होता है उसके लिए टर्म यूज होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। क्या होता है अंतर समझना थोड़ा सा, सेलुलर और ए सेलुलर अगर हम बोले तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से समझना। ये देखो, ये बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर, आपको ऐसे बहुत लंबा ये ग्रो कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई देगा, इस तरह का बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं बोलता हूं ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। अब इस ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर कंडीशन देखो, इसके बॉडी के अंदर जब आप देखोगे तो बहुत सारे आपको न्यूक्लियस अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो इसके बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको मैं एक टर्म बताने जा रहा हूं जो आपको याद रखना है, है ना? अगर केवल एक ही सेल है और उस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है सीनोसिटिक। उसके लिए टर्म यूज होता है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल के अंदर। दूसरा पॉइंट यहां पे, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो सेल वॉल क्या है बेटा, एब्सेंट है। तो सेल वॉल एब्सेंट। अब इन दोनों टर्म, मतलब सीनोसिटिक है, मल्टी न्यूक्लिएट है, और सेल वॉल एब्सेंट है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्लाज्मोडियम। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है प्लाज्मोडियम, है ना, बहुत लोग इसको बोलेंगे अभी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो आता है प्रोटोजोअन्स के अंदर, है ना, जो मलेरिया कॉज कराता है। नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा, है ना, प्लाज्मोडियम। जब सीनोसिटिक कंडीशन हो, सेल वॉल एब्सेंट हो, तो कंडीशन विल बी नोन एज प्लाज्मोडियम। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये एक सेल है ना, इसको मैं बोलता हूं ए सेलुलर। ए का मतलब नहीं मत समझ लेना, ए का मतलब विदाउट नहीं, ए का मतलब होता है एक। जब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं तो कंडीशन विल बी नोन एज ए सेलुलर। सेलुलर में अगर आप देखोगे, सेलुलर में थोड़ा सा इसको समझना, सेलुलर में क्या होते हैं, आप ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, है ना, जब आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल ये माइन्यूट फॉर्म में आपको सेल्स आपस में क्या होंगे, अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कंडीशन अगर आपको दिखाई देता है तो ये जो कंडीशन होता है ये कहलाता है सेलुलर। सेलुलर क्यों, एग्रीगेटेड फॉर्म में तो है लेकिन हर एक के पास अपना केवल एक ही न्यूक्लियस है, केवल एक सेल के पास एक न्यूक्लियस कंडीशन है। तो आप इसको सीनोसिटिक टर्म तो यूज नहीं करोगे, है ना,
अब आपको ये एक पास अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये एक पास इकट्ठे तो नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ध्यान से हम देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग है। इसके अंदर क्या है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, तो अक्सर करके ये जो होते हैं वो डिप्लॉयड कंडीशन शो करते हैं। कैसा कंडीशन शो करते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस एक पास है, और ये जो होते हैं वो हैप्लॉयड कंडीशन शो करते हैं। तो मोस्टली आपसे पूछ सकता है कि जो सेलुलर होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड होते हैं, और ये जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं कि हैप्लॉयड होते हैं। तो याद रखना है कि ये कंडीशन डिप्लॉयड शो करता है और ये कंडीशन हैप्लॉयड शो करता है। अब एक पॉइंट सुन लो थोड़ा ध्यान से, जो ये सेलुलर कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे सेल्स अरेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में ये दिखने में तो बिल्कुल इसी के जैसे इरेगुलर शेप का दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं क्या, प्लाज्मोडियम? नहीं, यहां पे स्यूडो प्लाज्मोडियम टर्म यूज होता है, क्योंकि लुक लाइक प्लाज्मोडियम, तो यहां पे टर्म यूज होता है स्यूडो प्लाज्मोडियम, यहां पे टर्म यूज होगा स्यूडो प्लाज्मोडियम। इसके अलावा अमीबा के जैसे इरेगुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स अमीबा भी बोलते हैं, इसके लिए टर्म यूज होता है मिक्स अमीबा। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, स्यूडो प्लाज्मोडियम क्यों, क्योंकि इसी के जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, बस ध्यान से देखने पे आपको पता चला है कि वो सारे सेल्स अलग अलग हैं। अब ये देख सकते हो कि ये हैप्लॉयड हैं और ये क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन शो करते हैं। अब यहां पे बात आती है कि जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन करने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब ये रिप्रोडक्शन करना होगा, मैं यहां पे समझा देता हूं, जब ये रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये बहुत दूर तक क्या होते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, है ना, सेवरल फीट, आपके बुक में लिखा होगा है कि सेवरल फीट तक ये क्या होते हैं, ऐसे फैल जाते हैं, है ना। और इसके ऊपर आपको एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होते हुए ऐसे दिखाई देती है। अब इसको मशरूम मत समझ लीजिएगा, मशरूम अलग चीज है, ये फ्रूटिंग बॉडी ऐसे डेवलप होते हुए दिखाई देती है। और इस फ्रूटिंग बॉडी को जब ध्यान से आप देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पोरेंजियम नजर आते हैं, है ना। इस स्पोरेंजियम को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकालने देते हैं, ये स्पोरेंजियम आपको ऐसे बड़ा सा नजर आएगा, और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये बहुत सारे स्पोर्स बनते हुए आपको नजर आते हैं। बाद में क्या होता है, जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं तो ये रप्चर हो जाएगा और ये सारे स्पोर्स क्या हो जाएंगे, बाहर रिवील हो जाएंगे, और यही जर्मिनेट होकर फिर से ये बॉडी बना सकते। तो आपको ये कंडीशन समझना है कि ये स्पोरेंजियम था और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, और उस स्पोर्स से फिर से वो डेवलप होकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट नोट करने वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो ये स्पोर्स होते हैं बेटा, इन स्पोर्स वाले स्टेज में ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके ऊपर आपको दिखाई देगा क्या, सेल वॉल। तो इनके ऊपर एक कवरिंग होती है किसकी, सेल वॉल की। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर अभी आपने बोला था, लिखा भी था कि सेल वॉल एब्सेंट, तो यहां पे कैसे सेल वॉल प्रेजेंट। याद आपको रखना है कि जब वो स्पोर्स कंडीशन में होते हैं, मतलब अगर हम लोग स्पोर्स की बात करें तो स्पोर्स के पास क्या है बेटा, प्रॉपर सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रॉपर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन जब उससे डेवलपमेंट होता है बॉडी का, वेजिटेटिव पार्ट बनता है, तो उस टाइम पे कोई सेल वॉल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, वेजिटेटिव पार्ट के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं है, बस स्पोर्स जब बनते हैं उस टाइम पे इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर एक पर्टिकुलर सेल वॉल आपको दिखाई देगा। पक्का कंफ्यूज नहीं होगे ना। तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि स्पोर्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, नोट करके लिख लीजिएगा, स्पोर्स के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वेजिटेटिव पार्ट में कोई सेल वॉल नहीं होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप आपको समझ में आया होगा, ए सेलुलर एज वेल एज सेलुलर, दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब अगले क्लास में हम लोग इसका जो लास्ट प्रोटिस्टन्स बचे हुए हैं, प्रोटिस्टा का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है प्रोटोजोअन्स, उसको हम लोग डील करेंगे, उसी को हम लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोलते हैं। तो आज के क्लास में ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच।